हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। इलेवंथ क्लास कॉमर्स में हम अकाउंटिंग में फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी। इसमें हमने अकाउंटिंग का और बुक कीपिंग का जनरल मीनिंग पढ़ लिया था और आपको ये भी बता दिया था कि अकाउंटिंग क्यों करते हैं। स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन, और फिर हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग क्यों करते हैं, ये हमने पढ़ लिया था। अभी हम पढ़ेंगे आगे। आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग। जो अभी तक हमने पढ़ा है उसी के बेस पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बनाई है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि डेफिनेशन के बेस पर ही, जो डेफिनेशन और जनरल मीनिंग है उसी के बेस पर ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सर्विस सेक्टर। देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी, सर्विस एक्टिविटी, फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है सर्विस एक्टिविटी। जो एक्टिविटी है इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो तीन पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। फर्स्ट क्या है, प्राइमरी। फिर सेकंड है सेकेंडरी, और थर्ड है सर्विस, ठीक है। ये तीन सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी और सर्विस। प्राइमरी में क्या आता है, सारे मैन्युफैक्चरिंग के वर्क आ जाते हैं और फार्मिंग के वर्क आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम कोई भी चीज़ प्रोडक्ट बना रहे फैक्ट्री में, वो सारे इसी में आएंगे, और जो फार्मिंग करते हैं उससे रिलेटेड सारी चीज़ें प्राइमरी में आती है। सेकेंडरी में क्या आता है, चीज़ों को सेल करना, यानी कि हम बने बनाए प्रोडक्ट लाते हैं फैक्ट्री से या कहीं से भी, और उनको सेल करके प्रॉफिट कमाते हुए आते हैं सेकेंडरी में, यानी हम बिजनेस करते हैं इसमें, ठीक है। और थर्ड जो होता है वो सर्विस सेक्टर होता है। तो सर्विस सेक्टर जो होता है उसमें क्या होता है, हम कोई भी प्रोडक्ट नहीं दे रहे, हम अपनी सर्विस देते हैं, ठीक है। जैसे लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, ये सारे प्रोफेशन होते हैं, अकाउंटेंट भी इसमें आता है, ठीक है। तो अकाउंटेंट ये क्या करते हैं, सर्विस देते हैं और उनके बदले में फीस लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है सर्विस एक्टिविटी है, ठीक है। यानी कि अकाउंटिंग भी एक सर्विस एक्टिविटी है। इसमें हम कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे, हम कोई चीज़ नहीं बेच रहे, हम अपनी सर्विस दे रहे। अकाउंटेंट जो होगा वो अपनी सर्विस देगा, अकाउंटिंग करेगा, उसके बदले में उसको पैसे मिलेंगे। तो ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सर्विस एक्टिविटी, यानी कि अकाउंटिंग एक सर्विस होती है, सर्विस एक्टिविटी में आती है। फिर सेकंड है आर्ट एंड साइंस। आर्ट एंड साइंस, आर्ट क्या होती है, आर्ट है किसी भी काम को करने का जो तरीका होता है, अलग तरीके से करते हैं हम, तो वो आर्ट होती है। तो टेक्निक जो होती है वो आर्ट होती है, ठीक है। किसी भी काम को करने का जो तरीका है, टेक्निक है, वो आर्ट का, उसका मतलब आर्ट होता है। तो अकाउंटिंग जो है उसका भी टेक्निक है, उसको करने का भी अलग तरीका है। इसी वजह से अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है, ठीक है। तो अकाउंटिंग आर्ट होती है। कैसे होती है, क्योंकि आर्ट जो होती है वो किसी भी काम को करने की टेक्निक है, तरीका है, वैसे ही अकाउंटिंग का भी टेक्निक है। और हमने पहले डेफिनेशन वगैरह में पढ़ा हुआ है कि जिसमें फर्स्ट लाइन में लिखा होता बुक कीपिंग की जो डेफिनेशन पढ़ी थी कि बुक कीपिंग इज एन आर्ट, ओके। और अब है साइंस। तो साइंस में क्या होता है, प्रिंसिपल होते हैं। साइंस में हर चीज़, ठीक है, हर फैक्ट के पीछे कोई ना कोई प्रिंसिपल होता है। जैसे कि कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है, हम दौड़ते हैं, ठीक है, या कोई गाड़ी चलती है, तो सबके पीछे कोई ना कोई प्रिंसिपल है। उसी तरीके से अकाउंटिंग के भी क्या अपने प्रिंसिपल है। साइंस में क्या होता है, साइंस के खुद के अपने प्रिंसिपल होते हैं, उसी तरीके से अकाउंटिंग के भी खुद के अपने प्रिंसिपल है, जिनको जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल कहा जाता है, या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहा जाता है, या फिर प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती है अकाउंटिंग की भी, ठीक है। जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, प्रिंसिपल है, कंजप्शन है, जिनके बेस पर अकाउंटिंग हम करते हैं। तो अकाउंटिंग साइंस और आर्ट कैसे है, आर्ट भी है और साइंस भी है, क्योंकि अकाउंटिंग के भी खुद के प्रिंसिपल है और टेक्निक भी है उसको करने की, ठीक है। तो अकाउंटिंग आर्ट भी है और साइंस भी है। फिर थर्ड है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग में हम केवल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ही लिखते हैं, मनी से रिलेटेड, ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, ठीक है। इसलिए मैं डिटेल से नहीं समझा रहा हूँ कि अकाउंटिंग में हम केवल मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन ही लिखते हैं, अदर दूसरे ट्रांजेक्शन को हम नहीं लिखते हैं।
अगला है प्रोवाइड क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन। तो क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन का मतलब मैं समझा देता हूँ कि क्वांटिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ठीक है, क्वांटिटी रिलेटेड, क्वांटिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ही हमको मिलती है। जैसे कि आपने कितनी सेल की वो मिल जाएगा आपको, ठीक है, कितने रुपीज़ की सेल हुई है, कितने रुपीज़ की परचेज हुई है, ठीक है, अगर आपने किसी को सैलरी दी है तो कितनी दी है, तो ये सारी जो होती है क्वांटिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। तो क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि ये केवल हमको क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, क्वांटिटी और मनी से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन जो है उनकी इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल कराएगा अकाउंटिंग। ये क्वालिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराता है, हम बाद में भी पढ़ेंगे क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी में किसी की क्वालिटी बताता है, जैसे ऑनेस्ट है या इंटेलिजेंट है या आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ठीक है, आपका स्टाफ भी बहुत अच्छा है, तो ये सारी चीज़ें क्या थी क्वालिटी में, ये इन्फॉर्मेशन हमको अकाउंटिंग नहीं बताएगा। ये अकाउंटिंग में आपको कहीं नहीं मिलेगी कि आपका स्टाफ कैसा है, ठीक है, आपका प्रोडक्ट कैसा है, ठीक है, आपका बिहेवियर कैसा है, वो नहीं बताएगा। ये केवल इन्फॉर्मेशन क्वांटिटी की बताएगा कि आपने कितनी क्वांटिटी में सेल किया है, परचेज किया है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। लास्ट नंबर 5 है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का मतलब है कि बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, उसमें से बेस्ट ऑप्शन को चूज करना। तो अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है और उनमें से बेस्ट ऑप्शन को चूज करना है, तो अकाउंटिंग के बेस पर, अकाउंटिंग में जो आपने रिपोर्ट तैयार करते हो लास्ट में, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस बनाया आपने, तो आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, आपके पास कितने रुपए पड़े हुए हैं, उनके बेस पर आप कोई भी डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, उनमें से कोई भी बेस्ट ऑप्शन आप चूज कर सकते हो, ये होता है डिसीजन मेकिंग। और लास्ट जो है 6 नंबर, वो हमने डेफिनेशन और उनमें पढ़ा हुआ ही है, वही सारे पॉइंट वापस इसमें आ रहे हैं, जो हमने डेफिनेशन में पढ़े थे वही पॉइंट इसमें आ रहे हैं वापस। क्या आ रहा है? आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन। तो फाइनेंशियल पोजिशन, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है उसको, उसमें से क्या आइडेंटिफाई का मतलब आपको पता ही है कि ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना कि वो फाइनेंशियल है या नहीं है, अगर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है तो ही हम लिखेंगे, बाकी नहीं लिखेंगे। रिकॉर्डिंग का मतलब पता है, रिकॉर्ड करना फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो है, पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि वो ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, ठीक है, फिर उसको रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करने का मतलब पहली बार जब हम लिखते हैं उसको रिकॉर्ड करना कहते हैं। फिर क्लासीफाइंग, जो रिकॉर्डिंग के आगे की जो प्रोसेस है वो क्लासीफाइंग होती है, उसमें हम उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। फिर समराइजिंग में क्या होता है, समरी रिपोर्ट तैयार होती है, साल के लास्ट में समरी तैयार होती है। इंटरप्रेटिंग का मतलब एनालिसिस करना, और कम्युनिकेटिंग का मतलब क्या होता है, इन्फॉर्मेशन को उनके यूज़र तक पहुंचाना। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वाले पॉइंट की तो पढ़ी हुई थी, अभी हमने ये 5 पॉइंट जो अलग से पढ़े हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में, सर्विस एक्टिविटी, आर्ट एंड साइंस, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, मनी से रिलेटेड, प्रोवाइड क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन, डिसीजन मेकिंग। तो ये सारी चीज़ें हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग। तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।